हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एस आई अकेडमी। माई सेल्फ मोहम्मद सरुल इस्लाम, और मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जितने लेंस होता है, आई पीस, ऑब्जेक्टिव, नोज पीस का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तो वो सब लेंस में अगर डस्ट गिर के अगर लेंस ठीक से काम ना कर रहा हो, ठीक से ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, सैंपल दिख नहीं रहा है, तो कैसे लेंस को साफ़ किया जाए, किस तरह से लेंस को साफ़ करेगा तो कुछ नहीं होगा, उसी का भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पॉज करो। तो इस माइक्रोस्कोप का जो दिख रहा है वो, तो इस माइक्रोस्कोप में हम मेरे नोच पीस में जो दो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये दोनों लेंस ही हमको ख़राब लग रहा है, मतलब ठीक से दिख नहीं रहा है। तो पहले हम इसको ठीक करेंगे, फिर आई पीस के बारे में दिखाएंगे। तो ओके, तो ये अब इसको रख देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का 45x का ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको हम लोग खोलेंगे। खोलने के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, अलग अलग तरह की ऑब्जेक्टिव लेंस में अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसमें ऐसा है। तो इसको खोलेंगे, इसमें एक नॉट है, तो नॉट को मेरे पास कोई स्क्रू नहीं है, इसमें खोलने की कोशिश करेंगे। ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये अंदर बाहर नहीं आएगा, और ये इसके खोलने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो इसी को खोल कर देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम खोलेंगे, ये जो दोनों हैं इसमें डालेंगे, डाल के तो घुमाएंगे। अंदर स्प्रिंग है, इसलिए हाथ को हमेशा इससे रखना है, नहीं तो ये फिर गिर जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग को निकाल लेंगे, यहाँ जितने पोर्शन है उसको हम निकालेंगे। इसमें जो लेंस है इसमें अब हम कुछ देख, आपको दिख रहा है कि नहीं, पता समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखिए कितना डेब्रिस गिरा हुआ है। इस डेब्रिस को हम साफ करेंगे। ठीक है, साफ करते हैं लेंस को। जब भी साफ करना है कोई भी कपड़े से, तो हमेशा याद रखना कि उसमें कॉटन का कपड़ा जितना हो सके कम यूज़ करना, क्योंकि कॉटन के कपड़े में साफ तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन कॉटन की कपड़े में जो डेब्रिस होता है, रेसा वो सब रह जाते हैं, और फिर हम लोग जब माइक्रोस्कोप को देखते हैं किसी काम में, तो हम लोगों को वही सब नज़र आते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि सिल्क का कपड़ा यूज़ करें। सिल्क की कपड़ा यूज़ करने से उसमें ग्लास के ऊपर कोई डेब्रिस नहीं रहता है, और साफ भी अच्छे से हो जाता है। ऐसे हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी लगभग हम लोगों का जो अंदर में जो डेब्रिस था वो अभी नहीं है, सब साफ हो चुका है। अब इसको हम लोग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और दो लेंस और है, तो वो सब कुछ ना दौड़ो। तो ये अब हम लोगों का
40x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस अभी तैयार यूज़ के लिए। बट और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस का 10x का लेंस। खोलते हैं को, देखते हैं क्या है इसमें। तो इतना सारा था ये 10x में, उसको हम लोग एक के बाद एक साथ जाएंगे। उसके बाद होगा ये लाइट, फिर होगा ये ऐसे, ये होगा। तो इसको हम लोग ऐसे इसको लगाएंगे, तो कि इसी तरह से हम लोग साफ करेंगे, करते हैं आईपीएस लेंस। और फिर इसको साफ हो गया, अब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप लगा कर यूज़ करके देखेंगे। ओके, बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।